सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बिल्कुल नया फ़ोन का अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि है टेक्नो स्पार्क 10 5G फ़ोन, जो कि अंडर 13,000 के रेंज में आपको आता है। और 13,000 के फ़ोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या आपको प्राइस में ऑफर में आपको क्या क्या फीचर्स आपको देते हैं, तो सब चीज़ हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में, आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये फ़ोन उनके लिए जो अंडर 15,000 में 5G फ़ोन खोज रहे थे, और जो कि अपने बजट सेगमेंट में 5G फ़ोन खोजना चाह रहे थे, क्योंकि अंडर 13,000 के रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन आपको हो जाता है। और ये टेक्नो सीरीज का फ़ोन है और काफ़ी बेहतरीन लुक एंड डिज़ाइन के साथ आया हुआ है। तो सब चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बने रहिए और जल्दी से अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले डब्बे का कुछ ओवरव्यू देते हैं, जैसे कि इसमें टेक्नो का ब्रांडिंग दिया हुआ है और यहाँ पर मॉडल नेम है टेक्नो स्पार्क 10 5G, और यहाँ वेरिएंट लिखा हुआ है अप टू 8GB रैम है, 64GB इंटरनल है, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ मॉडल का नाम लिखा हुआ है। पीछे की साइड में यहाँ पे आपको दोस्तों इसमें आपको कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, की हाइलाइट पॉइंट जैसे एक्सपीरियंस 5G लिखा हुआ है, और जो प्रोसेसर है जो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है डायमेंसिटी 6020 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है 5G प्रोसेसर के साथ, 50 MP का कैमरा है, अल्ट्रा वाइड क्लियर की सब चीज़ दिया हुआ है, 5000 mAh की बैटरी है, 18W का टाइप सी का फास्ट चार्जर आपको हो जा रहा है दोस्तों, और ये HD+ का स्क्रीन हो जाता है, वो भी 90Hz का। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों हमारा फ़ोन, जो कि रखते हैं साइड में बॉक्स में और देख लेते हैं और क्या क्या मिलता है दोस्तों इसमें। जैसे कि यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाता है एक बैक कवर, जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो कि फ़ोन को पैक से प्रोटेक्ट करके रखेगा। ये कुछ मैनुअल की है जो कि काम का है नहीं। यहाँ आपको डब्बा में चार्जर मिल जाता है, जो कि 18W का फास्ट सपोर्ट करता है दोस्तों। और ये है USB टाइप बी टू टाइप सी आपको यहाँ केबल दिया हुआ है। बस दोस्तों बॉक्स में इतना ही, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम फाइनली हमारे फ़ोन की तरफ। तो ये रहा हमारा फ़ोन टेक्नो का स्पार्क 10 5G फ़ोन, जो कि अलग ही लुक एंड डिज़ाइन में आपको आया दोस्तों, काफ़ी लुक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। लुक एंड डिज़ाइन के बारे में देखा जाता है दोस्तों, कोई भी ब्रांड इतना कम प्राइस में इतना बेहतरीन लुक एंड डिज़ाइन के साथ आप नहीं आया, पकड़ने में काफ़ी होल्ड है, काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ आता है। डुअल कैमरा का सेटअप आपको मिल जाता है यहाँ, 50 MP का यह कैमरा लिखा हुआ है, कैमरा मॉड्यूल काफ़ी अच्छा लग रहा है, खासतौर पर इसका कलर काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, डायमंड टेक्चर आपको दिया हुआ है। तो आपको ये फ़ोन लुक एंड डिज़ाइन के मामले में कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ सबसे पहले कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे तो पर्सनली ये फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 13,000 के रेंज में इतना बेहतरीन लुक वाला फ़ोन किसी भी ब्रांड में आपको नहीं मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू की, जैसे कि यहाँ आपको राइट हैंड साइड में पावर बटन मिल जाता है, यही फिंगरप्रिंट सेंसर है, वॉल्यूम अप एंड डाउन है, ऊपर के साइड में कुछ भी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में सिम ट्रे मिल जाता है। और सिम ट्रे की बात करते हैं, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है दोस्तों, 2 SIM प्लस मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको हेडफोन जैक के भी मिल जाता है, टाइप सी का चार्जर है, स्पीकर ग्रिल दिया हुआ दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों फ़ोन को अनबॉक्स कर लेते हैं, सॉरी फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और बात करते हैं दोस्तों मटेरियल की। तो कंपनी ने बैक में इसमें आपको यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग दिया हुआ है जी, मैट फिनिशिंग के साथ, कि तो हाथ का दाग बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा दोस्तों। फ़ोन जल्दी से ऑन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों फ़ोन ऑन हो चुका है। डिस्प्ले की बात करते 6.5 इंच का फुल HD+ का IPS स्क्रीन मिल जाता है, वो भी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये टच रिस्पॉन्स काफ़ी कैमरा टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ऐप वगैरह काफ़ी यूनिक डिज़ाइन से आपको यहाँ दिख रहा है, काफ़ी अलग UI आपको मिल जाता है ये, क्योंकि ये टेक्नो का फ़ोन है। और टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी फास्ट काम कर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो डिस्प्ले के मामले में कुछ इसका कमी नहीं है, और यहाँ पे आप ब्राइटनेस अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, फुल करने के बाद ब्राइटनेस का आप लेवल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक डिज़ाइन मिल रहा है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों हार्डवेयर की, तो जैसा कि अपने हम आपको बता देते हैं कि कंपनी ने इसमें मीडिया टेक का डायमेंसिटी 6020 आपको प्रोसेसर आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है बजट सेगमेंट के फ़ोन में, ये नया प्रोसेसर आपको आया हुआ है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13 आपको मिल जा रहा है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी इसमें आपको एंड्रॉयड 13 के साथ मिल जाता है। और कैमरा आपको यहाँ लिखा हुआ, जैसे फ्रंट 8 है, बैक 50 MP का डुअल कैमरा है, 4GB रैम है, प्लस 4GB रैम में 1GB बढ़ता है, तो टोटल आपको 4+1GB बढ़ेगा तो 5GB हो जाएगा, प्लस 4GB रैम और बढ़ा भी सकते, टोटल 8GB रैम आपको हो जाता है, 64GB इंटरनल है,
5000 mAh का बैटरी है, टाइप सी का फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है। तो ये हो गया दोस्तों हार्डवेयर का पार्ट्स। अब बात करते हैं दोस्तों उसके कैमरा की। तो कंपनी ने इसमें आपको बैक में 50 MP का ये कैमरा दिया हुआ है। कैमरा क्वालिटी आपको तो खींच के दिखा देते हैं। ये दोस्तों बैक कैमरा से फोटो खींचा हुआ है जो कि 50 MP का कैमरा है। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फ्रंट कैमरा देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रंट में 8 MP कैमरा दिया है। तो कैमरा क्वालिटी फ्रंट का भी देख लेते हैं। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। फ्रंट 8 MP कैमरा है, स्क्रीन टोन भी काफ़ी अच्छा है। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी देख लेते हैं इसमें फीचर्स क्या क्या मिल जाता है। फ्रंट कैमरा जिसमें मूवी मोड मिल जाता है दोस्तों, वीडियो में जाने के बाद आप 1080p भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे 2K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी फ्रंट कैमरा में। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाता है दोस्तों, कोई भी ब्रांड में आपको 1080 से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। यहाँ बैक में और फ्रंट में दोनों में आप 2K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्लस AI कैम दिया हुआ है, ब्यूटी मोड दिया हुआ है, पोर्ट्रेट मोड भी दिया हुआ है, सुपर नाइट मोड भी सब चीज़ आपको दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल बैलेंस फोन आपको हो जाता है दोस्तों। तो कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी हर चीज़ बेहतर है। अंदर 13,000 के रेंज में सबसे बड़ा चीज़ लुक एंड डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। प्रोसेसर भी है जो कि 5G फ़ोन है, डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा होने वाला क्योंकि इसमें 5000 mAh की बैटरी है। तो मेरे नज़र में फुल पैकेज है, बड़ा धमाका 13,000 के रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन आपको हो जाता है। तो मुझे तो पर्सनली ये फ़ोन अच्छा लगा। आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आप ये फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन स्टोर में मिलेगा, ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपना अगर फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं ये फ़ोन, तो डिस्क्रिप्शन में हम वहाँ नंबर आपको दे देंगे, वहाँ से आप बात करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे शॉप पर आप ये आया हुआ है प्रोडक्ट दोस्तों। तो फिर दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।